95% जिंदा हूँ, 75% तो डिसेबल हूँ, आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। बिस्मिल्लाह से शुरू होती है इब्तिदा मेरी, ये महफिल खुश रहे ये दुआ है मेरी। इज्जत मॉब, प्रिंसिपल सर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़, कायदे कारवान, मेहमान खुसूसी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, दीगर मेहमान गिरामी, उसाज़ा किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि इस स्कूल में काफी स्टूडेंट्स और टीचर्स नए आए होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। माई सेल्फ सहरिश शबीर, आई एम फ्रॉम बदमुल्ला एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए फाइनल ईयर। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी लाइफ के बारे में बोलूंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। तो अगर हम आज की लाइफ देखें तो आज की लाइफ, सबकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, लेकिन जो डिसेबल पर्संस होते हैं उनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। मैं क्या बताऊं आप सबको, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, तभी मैं आज फाइनल ईयर में पहुंची। तो अगर मैं आप सबके सामने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करूं जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, इस टाइम तो मैं फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ, मेरे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम था और मैंने 60 लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे और मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, लेकिन एग्जाम के दिन तक मुझे कोई राइटर अरेंज नहीं हुई, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैं नहीं हारी, मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्जाम भी हुआ और अच्छे से हुआ। जिस दिन मेरा एग्जाम था मुझे कॉलेज में बोला गया आप जल्दी आना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज वालों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत ही ज्यादा काबिल और ज़हीन राइटर दी। अगर मैं भी उस टाइम सोचती कि मैं अपना एग्जाम डिटेन करूंगी, मैं नहीं दूंगी, तो शायद मैं एग्जाम नहीं देती। आप खुद सोचो मेरे लिए कितना सैड था वो टाइम, मैंने 60 लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे, एक एक घंटे का लेक्चर था, दो दो घंटे के लेक्चर्स थे, बट फिर भी मैं नहीं हारी। बस इंसान को चाहिए कि अपने मन में ये होना चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मैं बहरहाल इस दुनिया को तो नहीं देख सकती, बट आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत कुछ दूंगी। और अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे नई जिंदगी दी है, क्योंकि 9th और 10th में मैं अपनी स्टडी से हार गई थी। सबसे पहले मैं बताऊं मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कहां से की है, 8th तक तो मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बदमुल्ला और 9th 10th इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल फतेहगढ़ और 11th 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़, जो स्कूल मेरी पहचान रहा, मेरी मॉडिफिकेशन बना, और मैं इस स्कूल में जो मेरे सभी टीचर्स थे उस टाइम, जो उस टाइम के प्रिंसिपल सर थे, वो आज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मोहतरम इम्तियाज सर, मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत ही सपोर्टिव रहे, बहुत ही हेल्प किया उन्होंने मेरी, और मेरे हर एक प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते थे, और जो भी उस टाइम यहाँ पे स्टाफ था वो मुझे एक्स्ट्रा केयर करते थे। ये मुमकिन तो नहीं था कि नॉर्मल फील्ड में एक डिसेबल पर्सन, एक विजुअल इम्पेयर्ड, जो कि मतलब जिसने एक इस स्कूल को फेस किया, वो सिर्फ इस स्कूल की एक्स्ट्रा टीचर्स की एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा टाइम की वजह से। और अगर मैं इस स्कूल की एक मेरी खास मेरी गाइड रही है इस स्कूल में, मेरी इंस्पायर
इंस्पायर रही है इस स्कूल में, मेरी होप रही है इस स्कूल में। उन्होंने मुझे हर एक प्रोग्राम में मोटिवेट किया। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सिर्फ मेरी इंस्पायर मेरी मैम ही नहीं बल्कि मेरी माँ है। जब मैं इस स्कूल में निकली तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे याद रखेंगी। थैंक यू सो मच खादा मैम। आज अगर मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। आप एक ऐसी टीचर हो, टीचर पढ़ाने लिखाने के साथ बच्चों के हर एक टैलेंट को देखना चाहिए। आप एक ऐसी टीचर हो जिसने एक डिसेबल पर्सन के टैलेंट को शो किया। थैंक यू सो मच मैम, यू आर रियली वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच मैम। और बहरहाल जो आज यहाँ पे प्रिंसिपल सर है, मैं तो सर आपको पर्सनली नहीं जानती, बट थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे खायदा मैम के कहने पर बुलाया और अपने थॉट्स रखने का मौका दिया। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हम तो सोचते अगर हम कभी कभार अपनी क्लास में फेल हो जाते हैं, किसी क्लास में हम रुक जाते हैं, हम सोचते नहीं लाइफ इतनी है, अरे नहीं लाइफ इतनी नहीं है। मैंने अपने माइंड में बस एक बात रखी है, आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जब मैं एज डिसेबल ये सब कर सकती हूँ, आपके पास तो अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें दी है, मैं तो बस 25% जिंदा हूँ, 75% तो डिसेबल हूँ। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो, बट आप लोग क्यों गिव अप करते हो लाइफ को। और ये स्कूल, जब मैं इस स्कूल में आई तो सब लोग कहते थे स्कूल ऐसा है स्कूल वैसा है, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जैसा वेल क्वालिफाइड स्टाफ मैंने यहाँ पे देखा और जैसा केयरिंग स्टाफ मैंने यहाँ पे देखा, वैसा मैंने किसी स्कूल में नहीं देखा। थैंक यू सो मच। मैं इस स्कूल के पूरे स्टाफ की बहुत ज्यादा मशहूर हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस स्कूल की साबिका तालिबा हूँ। और मैं अपनी तरफ से इस स्कूल के जो उस टाइम पे भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और जो अगर उनमें कुछ टीचर्स इस टाइम प्रेजेंट है, मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। स्पेशली मेरी गाइड, मेरी इंस्पायर, मेरी होप खायदा मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, आप तो मेरी इंस्पायर हो सच में। मुझे आपसे जब भी बात करती हूं कभी नहीं लगता है कि मेरी मैम है, हमेशा लगता है कि मेरी फ्रेंड है। इवन मैं तो स्कूल से 2019 में मैंने अपना 12th क्लियर किया है, बट आज भी इनको मैं याद हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो अब मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ क्योंकि टाइम कम था, अगर ज्यादा लिया तो उसके लिए आप सबसे माजरत खाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।